कैसे हैं इस बार के नीट 2023 के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि इस बार जो हुआ वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। अब तक की नीट के हिस्ट्री का सबसे बड़ा रैंक इन्फ्लेशन इस ईयर देखने को मिला है, ईयर 2023 में गाइस। हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह, स्वागत करता हूँ सभी का अपने इस छोटे से प्यारे चैनल अंकुर सिंह मिर्ज़ापुर में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप सभी से बताया था, मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ है, नीट का पेपर दिया था जिसमें मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे थे 610। तो अभी रिज़ल्ट आ चुका है 2 दिन पहले, आज उसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि मैंने रिज़ल्ट दिया, कुछ ऐसे नंबर एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जैसे कि नंबर तो उतने ही ठीक आए 610, बट जो मेरे रैंक आई है वो काफ़ी पीछे चली गई है, जिसकी वजह से अब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा सैडनेस था 1-2 दिन, तो वीडियो मैंने नहीं बना पाया, बट आज बना रहा हूँ। तो क्या था कि लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे मार्क्स थे 553 और उस टाइम जो थे रैंक पे 40-50,000 के आसपास थी। तो उस ईयर जब दिया था तो अराउंड 610 के मार्क्स जो आ रही थी तो 15-16,000 के आसपास आ रही थी। तो वही एक्सपेक्ट किया था मैंने, इस बार मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मेरे भी एक्सपेक्टेड मार्क्स 610 आ रहे थे, तो मुझे लगा इस बार भी जो रैंक होगा थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अगर हुआ तो 16-17,000 का अराउंड आएगी, जिससे कॉलेज मिलना तो तय था, तो काफ़ी खुश था। बट जब रिज़ल्ट आया तो आई होप सारे नीट एस्पिरेंट्स की होश उड़ गए होंगे क्योंकि जो रैंक में इन्फ्लेशन आई वो 7-8,000 रैंक ऊपर चली गई इन्फ्लेशन। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब बॉर्डर लाइन पर आ गया मैं भी। पहले तो 598-600 के आसपास जो बंदे रहते थे वही बॉर्डर लाइन पे आसपास आते थे, बट इस ईयर कुछ ऐसा हुआ जिसकी तो किसी को होप नहीं थी, बट इस बार देखा जाए तो 600 के अराउंड जो रैंक आ रही है वो 30,000 रैंक आ रही है। 610 पे मेरे जो रैंक बने हैं वो 23,555 रैंक आए हैं। तो देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया कोटा 50% से, तो 22,700 के आसपास कुछ ओबीसी कैटेगरी को रैंक अलॉट हुआ था, कॉलेज मिला था। तो इस बार अगर कुछ नई सीट्स भी इंक्लूड हुई हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर, अभी तक की बात की तो 15 न्यू मेडिकल कॉलेजेस आए हैं और जो सीट बढ़ी है वो लगभग 8,000 के अराउंड सीट बढ़ी है। तो इसका अगर कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का AIQ में जाता है तो वहाँ से भी अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ रैंक बढ़ने के चांसेस हैं और रैंक डाउन जानी चाहिए। ऐसा कई टीचरों को हमने भी देखा है बात करते हुए कि अराउंड 25,000 तक जो है वो इस बार सीट मिल सकती है, तो मेरे तो अभी 23,555 है। तो होप करते हैं सो मिल जाना चाहिए। इस बार कट ऑफ लो जाने का एक और रीज़न है क्योंकि एक क्वेश्चन में तो सबको 5-5 मार्क्स बोनस मिल गया और एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही कर दिए गए, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों का मार्क्स थोड़ा इंक्रीज हो गया 7-8 नंबर, जिसकी वजह से हमारे पिछली बार के कट ऑफ से देखा जाए तो 10-15 नंबर तो कट ऑफ इस बार भी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। यही रीज़न है दो हमें सबसे अधिक रीज़न लगते हैं। और हाँ, एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, पिछले साल की अपेक्षा 3 लाख के लगभग एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि पर थोड़ा इजी भी रहा हो और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्वेश्चंस में बोनस भी मिल गए हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल के कट ऑफ को थोड़ा ऊपर कर दी हैं। तो देखते हैं अब जो बच्चे 7608 609 6010 के आसपास हैं उन्हें तो काफ़ी इस टाइम डर लग रहा होगा कि क्या होता है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि 25,000 अराउंड तक इस बार कॉलेजेस अलाट होंगे AIQ से। अगर मैंने जब 12th के साथ अपना फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था नीट का तो मेरे उस टाइम जो मार्क्स थे वो 200 के अराउंड थे। फिर मैंने जब फर्स्ट ड्रॉप लेके प्रिपरेशन किया, कोविड का टाइम था तो कुछ महीने में बनारस रहा, उसके बाद कुछ महीने घर पे आ गया, तो इसकी वजह से इधर उधर डिस्टर्बेंसेज हुई और उस ईयर अराउंड मेरे मार्क्स बने थे 477। फिर मैंने सेकंड ड्रॉप लिया और उस टाइम एग्ज़ाम दिया कानपुर था मैं, तो मेरे मार्क्स जो आए थे 553 के अराउंड आए थे, उस ईयर भी 40-50,000 के आसपास रैंक थी, तो कॉलेज मिलने का कोई चांस नहीं था। मैंने फिर थर्ड ड्रॉप लिया क्योंकि मैंने भी काफ़ी यूट्यूब पे देखता हूँ कि बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है 4th ड्रॉप 5th ड्रॉप 6th ड्रॉप, तो मैं भी बोला एक ड्रॉप और लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि करना तो था MBBS और सारे कॉलेजेस हो सकते मुझे अलॉट हो रहे थे, बट मैंने वो लिया नहीं क्योंकि मुझे MBBS ही करना था। तो एक ड्रॉप और लिया और इस ईयर मेरे जो मार्क्स थे 610 थे, इतने ही एक्चुअली मेरे हर ईयर मार्क्स कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो रहे थे, तो अंदर से मोटिवेशन भी आ रही थी कि हाँ अगर कुछ और इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इस बार हो जाएगा, इसीलिए मैंने ड्रॉप लिया। और इस ईयर तो 610 आ रहे थे, लग रहा था कि हाँ कॉलेज मिल जाएगा 610 पे श्योरली है, क्योंकि लास्ट ईयर के कट ऑफ में हमने यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स ये भी बोल रहे थे कि जो कट ऑफ है फाइव लास्ट ईयर की अराउंड रहेगी 598 596, तो ऐसा नहीं था। तो इस ईयर मेरे जो रिज़ल्ट आए हैं वो 610 हैं, जबकि मैंने लास्ट ईयर दिया था वो 553 थे, तो इस ईयर अराउंड 610 है। जैसा कि आप सभी को मैं रिज़ल्ट शो कर दे रहा हूँ, आप सभी देख सकते हैं रिज़ल्ट में 610 मार्क्स आए हैं, जो कि नंबर तो ठीक हैं बट रैंक काफ़ी
काफ़ी पीछे चली है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या अब तक के सारे ईयर्स में ऐसा देखा गया कि 610 पे कॉलेज मिलना पक्का कंफर्म होता था, बट इस ईयर बॉर्डर लाइन पर आ चुके हैं हम। तो देखते हैं कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है उसके लिए, लेकिन ये भी बात है कि उसके लिए वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट तीन महीने तो लग ही जाते हैं काउंसलिंग के लास्ट राउंड जाते जाते। तो फिर देखते हैं क्या होता है, लास्ट राउंड तक वेट करते हैं और फिर देखते हैं जो होता है वही कॉलेज अलॉट होगा। कुछ भी अगर मिलता है गवर्नमेंट तो हम उसको सिक्योरली ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को एंड, और आप सभी का कितना मार्क्स आया इस बार नीट में नीचे कमेंट में करके हमें बताइए, और क्या रैंक है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कौन से कॉलेज का वो भी बताइए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।